आज मैं बनाऊंगी बेर की पिकल। तो अभी बेर को मैंने पहले ऑयल में डुबो के रखा था 2 दिन। फिर मैंने ऑयल को निचोड़ के अभी थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी ऑयल के साथ पहले फ्राई किया। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाला और साथ साथ में चाय भी पी रही हूँ। अभी डाल दूंगी 2 चम्मच चीनी। ये खट्टी मीठी अचार है, पिकल है। और आप भी बना सकती हैं ये ड्राई सीजन में दाल के साथ या कुछ भी खाने के साथ। और आपको कुछ भी खाने की दिल नहीं कर रहा है तब ना ये दोपहर में बैठ के थोड़ी ले लें, बहुत ही टेस्ट आता है। अभी ये बनाने के ज़्यादा टाइम नहीं है, हार्डली आपको 7 मिनट या 8 मिनट ही लगता है। मैंने तुरंत ही कंटेनर में डाल रही हूँ क्योंकि इस लोहे की कढ़ाई में अगर रखती ना थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और इस पिकल को मैंने फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ी सी ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। और जी, आप बहुत दिनों के बाद मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप सबको तो पता है मेरी बेटी की एग्ज़ाम की वजह से मैंने वक्त नहीं मिलता है, मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाती हूँ। बड़ी मुश्किल से आज मैं वॉइस ओवर करी हूँ। और ये मिनिमलिस्ट की क्लिंजर है, एक के साथ एक फ्री है। और अगर एक लेता तो फ्री नहीं मिलता, तो 2 क्लिंजर लिया मैंने। उसके साथ एक SPF 50 सनस्क्रीन मुझे गिफ्ट में मिला, फ्री में मिला। तो और मैं कहना चाहती हूँ ये बहुत बहुत ही अच्छा क्रीम है। ये ब्रांडेड कंपनी है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। और सुबह और मॉर्निंग आपको क्लिंजर करना है, दोपहर में नहीं। तो क्लिंजर करके आप थोड़ी सी टोनर लगा के पहले मॉइस्चराइजर लगाए, उसके बाद आपकी मर्जी जो लगाए। तो मैंने तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और स्पिकल मेरी ठंडा हो गई है, अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी। और जी, एग्ज़ाम है, घर में चिकन नहीं बनेगा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ब्रेड पीस को लिया मैंने और मेरी बेटी को बोला था एक अंडा देने के लिए, उसने 2 अंडे को दे दिया मुझे। तो ब्रेड पीस को कोटिंग करने के लिए मैदा के साथ ब्लैक पेपर और सॉल्ट मिला के मैंने मैदा के साथ कोटिंग किया ब्रेड पीस को। और पहले थोड़ी सी काट भी लगाया था। अंडे में डीप करके फिर मैंने पानी में वॉश कर लूँगी, फिर कोटिंग करूँगी मैदे के साथ। और मैंने ओवन में नहीं दिया इसलिए क्योंकि सबके घर में ओवन अवेलेबल नहीं होता है। तो इजीली कैसे बनता है मैं वही प्रोसेस दिखा रही हूँ। और एक बात है ना, मेरी रेसिपी देख के बहुत सारे लोग कुकिंग भी करती है, तो मैं जहाँ तक हो सकता है मैं इजी ही करके कुकिंग करती हूँ। तो मैंने इस ब्रेड पीसेस को अभी पीस को अभी थोड़ी सी ऑयल को ज़्यादा डाला, आई थिंक 2 टेबल स्पून की, 2 राइस स्पून जो होता है, 1 राइस स्पून ऑयल को डाला मैंने। और साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। तो हमेशा सुबह या शाम हो, खाना बनाने के साथ साथ चाय नाश्ता ये हमेशा ही चलता है। तो इस वजह से मैं बहुत बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ आजकल। तो ना जाने ये एग्जाम कब ख़त्म होगा, कब मुझे थोड़ी सी सुकून मिलेगी। और ब्रेड पीस काफ़ी बड़ा था इसलिए थोड़ी सी टाइम लगा मुझे। आपको 15 मिनट्स में ये अच्छे से पक जाएगा क्योंकि मैंने नाइफ से नहीं, फॉक्स से मैंने इसे थोड़ी सी कट लगाई। फॉक्स से जिस तरह से पिकल को लगाती है लोग उसी तरह। तो मैंने अंडे और आलू बॉईल कर ली हूँ, साथ में एक करी भी बना रही हूँ। आज आलू अंडे की करी बनाऊंगी और साथ में एक फिश बनाऊंगी। और अभी थोड़ी सी 1 टीस्पून बराबर सोया सॉस और 1 टीस्पून टमाटो केचप भी डाल दिया। और अभी ये हो गया है रेडी। तो मैं पीऊँगी चाय, थोड़ी सी चिकन भी लूँगी मैं, और सुजान खाएंगी ये प्याज और केचप के साथ ये चिकन। तो आज की शेयरिंग छोटी सी एक शेयरिंग है, ये आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और लाइक ज़रूर डान करना, आप लोग लाइक ज़्यादा नहीं डान करती हो। फिर से मिलूँगी लेकिन कब मिलूँगी पता नहीं, तो
आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।